जिसे कहा गया 442 सदस्यों को, नागरिकों को आज अपनी जिंदगी के एक नया चैप्टर जुड़ने का अवसर दिया जा रहा है, नया पड़ाव पे जाने के लिए हमको आज अवसर मिलेगा। मैं सबसे पहले आप सभी को इस शुभ अवसर पे शुभेच्छा देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप सफल हो, आपकी ये उपलब्धि सिर्फ आपकी निजी नहीं है, ये देश का है, आपकी राज्य का है, आपकी जिले की है, आपकी परिवार की है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी एक नई परंपरा शुरू किया है, सामूहिक रूप में देश में भारत सरकार की विभिन्न सेक्टर्स में, विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र रोजगार मेला के माध्यम से बांटा जाए। पिछले साल अक्टूबर से शुरू होकर ये 8th एडिशन जिसे कहा गया रोजगार मेला का आज संपन्न हो रहा है। हर एक मेला में 70 से 80 हजार लोगों को डिजिटल तरीके से नियुक्ति पत्र दिया जाता है। प्रदेश की कई राज्यों में यहाँ एक सांकेतिक रूप में उसके साथ जोड़ा जाता है। मित्रों, हम लोग जब सब इकट्ठा हुए हैं, देश एक नई ऊंचाई को अभी छू रहा है। भारत अभी चंद्रयान 3 के सफलता के साथ प्रयोग किया है। चंद्रयान से सफल प्रयोग के बाद चंदा मामा अभी दूर नहीं है, इंडिया इज ऑन मून, इस प्रकार की आत्मविश्वास से भरा हुआ एक माहौल देश में आज बन गई है। उस पॉजिटिव समय में आप लोग जिंदगी की नया चंद्रयान भी शुरू कर रहे हो। इस चंद्रयान में उड़ीसा का भी बहुत भूमिका रही है। हमारे अनेक उड़िया मूल के वैज्ञानिक हो, टेक्नोक्रेट्स हो, टेक्नीशियन हो, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस को प्रतिनिधित्व करते हुए अपना भूमिका निभाई। मैं उनको भी आज के अवसर पे बधाई देता हूँ। विशेष करके हमारे एमएसएमई विभाग के, भारत सरकार की जो सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है, CTTC है, उसके उसी सेंटर से 75 आइटम उस चंद्रयान की पूरा रॉकेट में लगी थी, इसलिए उड़ीसा में भी चंद्रयान बना था, ये कहने से कोई विरोध नहीं होगा। मित्रों, अभी अगले सप्ताह यानी आज जो हम 28 में एकत्रित हो रहे हैं, उसके अगले सप्ताह में भारत भी एक नई इतिहास रचना है। G20 विश्व के प्रमुख देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण एक नई माहौल बनाया है। G20 की नेतृत्व स्तरीय बैठक, हेड ऑफ द नेशंस की बैठक आने वाले 6, 7, 8, 9 इन दिनों में दिल्ली में होगा। हम लोग अपने अपने स्थान पे रह के उस G20 की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को शुभेच्छा दें, उसकी सफलता का कामना करें और देश में चंद्रयान जैसे एक नई वातावरण को हम लोगों ने मनाया।